जय श्री महाकाल, राम राम भाई सारे, जय माता दी। मैं जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपसे आके बात करूंगी, तो मैं यही बात करने के लिए आई हूँ। जैसे कि कल करवा चौथ था और कल था मेरा 24 हार्ड डे चैलेंज का 24 डे। ठीक है, मैंने 23 दिन कंप्लीट कर लिए, लेकिन कल 24वां दिन था और कल था करवा चौथ। तो क्योंकि अब मेरे को उसमें 5 रूल फॉलो करने हैं कि एक सेल्फी लेनी है, 4 लीटर पानी पीना है, 2 वर्कआउट करने हैं, 10 पेजेस बुक के पढ़ने हैं और एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। ठीक है, तो क्योंकि कल करवा चौथ था, तो इस वजह से अब करवा चौथ में ना तो मैं एक्सरसाइज कर सकती थी, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं उनको पता होएगा कि एक एक सेट मारने का बहुत प्यास लगती है। और मैं जबकि चांद निकलने तक पानी नहीं पीना है और कुछ खाना नहीं है, तो इस वजह से मैं कल वर्कआउट भी नहीं किया मैंने। ठीक है, कल मैंने गीता जी तो पढ़ लेती हूँ, खैर रोज़ ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूजा तो करनी है, कथा तो करनी है, तो गीता जी तो मैंने पढ़ ही लूँगी। और क्योंकि पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना था, एक बूंद भी नहीं पीना था, तो कल रात 10 बजे मैंने फास्ट खोला। तो अब 10 बजे से लेके थोड़ी मैं 12 बजे तक, 2 घंटे में तो मैं 4 लीटर पानी पी नहीं सकती थी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि ऑफिशियली मैंने 24 डेज में ये चैलेंज क्विट कर दिया है। और क्विट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि कल करवा चौथ था और मेरे लिए करवा चौथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना चैलेंज से बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे ये, क्योंकि इसमें बीच में फेस्टिवल्स तो काउंट होते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने ये 23 दिन कंप्लीट करने के बाद 24वें दिन ये मुझे टास्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि करवा चौथ की वजह से। ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं करवा चौथ तो छोड़ नहीं सकती थी, तो मैं टास्क ही छोड़ती। और क्योंकि इसमें मैं वर्कआउट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब आप सारा दिन कुछ खाओगे नहीं, कुछ पियोगे नहीं, पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि एटलीस्ट ये होता है कि अगर आप और कोई फास्ट रख दो तो उसमें आप चाय पानी आप पीते रहते हो, तो आपकी बॉडी में एटलीस्ट एनर्जी रहती है एक्सरसाइज करने की, कि चलो आप चाय पी लो और आप ड्राई फ्रूट खा लो, फ्रूट खा लो, बट इसमें कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो इस वजह से मेरे को कल ये करवा चौथ की वजह से टास्क छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें पता है कि हमारे फेस्टिवल्स की हमारे ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत होती है। तो इस वजह से मैंने 24 दिन 23 दिन के बाद ये टास्क छोड़ दिया 24वें दिन। बट मैं इसको जल्दी ही दोबारा शुरू करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा है ये टास्क करके। मतलब मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई इन 23 डेज में ही। मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी बॉडी में कितना चेंजेस आया है, या मैं नेचर में तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा नेचर इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। मैं बचपन से ही शरारती रही हूँ, नौटी रही हूँ, गुस्सैल रही हूँ, तो इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ मेरे नेचर में बहुत सुधार आया है, नहीं, नेचर में नहीं आया। बट हाँ, वैसे जैसे लाइफ की रूटीन में, अब जैसे मैं आज सुबह सो के उठी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब जैसे मेरी रोज़ की आदत है कि राम राम भाई सारे आने, जय माता दी, मैं अब उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना किशमिश वाला पानी पीने के लिए, फिर उसके बाद के राम राम भाई, अब मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ, तो ये एक रूटीन बन गई थी। तो ये मैंने आज नहीं किया, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में मतलब कितना खालीपन था। अगर ये होता कि चलो आप इसमें फेस्टिवल्स को आप इधर उधर करके आप एडजस्ट कर लो, तो डेफिनेटली आज मैं 24 डेज की वीडियो डाल रही होती। बट मैंने नहीं डाली है 24 डेज की वीडियो, क्योंकि इसमें साफ तौर से 75 हार्ड डे चैलेंज में ये ही रूल है कि अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हो तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ये चैलेंज। इस चैलेंज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर आपने एक भी चीज़ मिस करी तो आपको 1 डे से ही करना पड़ेगा। तो मैंने तो पूरा दिन ही मिस करा है, ना मैंने एक्सरसाइज करी है, ना मैंने पानी पिया है, ना मैंने कुछ। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि इसमें फेस्टिवल और कोई भी बहाना काउंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं 23 डेज के बाद मैंने ये टास्क क्विट किया है बिकॉज ऑफ माई फास्ट। और मैं दोबारा ही ये चैलेंज स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें आज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने नहीं बोली ये सब चीज़ें, तो मेरे को आज बहुत खालीपन लग रहा था। आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, नहीं तो मेरे को रोज़ होता है कि भाई नहीं, इतने बजे तक तो मुझे वीडियो बना के अपलोड करनी है, इंस्टा पे भी करनी है और इस पे भी करनी है, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे भी। तो इसलिए आज मैंने नहीं किया, तो आप यकीन मानिए कि 23 दिन में ही मेरी इतनी अच्छी रूटीन बन चुकी है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी ये टास्क दोबारा स्टार्ट कर दूँ, और अब की बार मैं सारी चीज़ों से दूर हटके और इस टास्क को पूरे दिल से, जैसे मैंने अभी तक निभाया है 23 दिन तक, और मैं इसे और अच्छे से निभाऊँ, तो मैं इसे जल्दी स्टार्ट करूँगी। तो और वाकई में अगर इसे कोई भी करना चाहता है तो कर सकता है,
कि ये टास्क बहुत अच्छा है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो आप करिए। और अब मैं दोबारा ये टास्क बहुत ही जल्दी स्टार्ट करूँगी, और अगर कोई भी मेरे साथ दोबारा से ये टास्क स्टार्ट करना चाहता है जिनका छूट गया है किसी भी सम रीजंस की वजह से, तो वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बस अब ये फेस्टिवल टाइम निकल जाए फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। मैं फिर दोबारा अनाउंस करूँगी एक दिन पहले या 1 वीक पहले कि मैं इतने दिन से स्टार्ट, कितनी तारीख से या मंडे से या इस तारीख से स्टार्ट कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ करूँगी दोबारा से। तो अगर जब हमारे साथ कोई भी जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हम भी, अगर आप टास्क स्टार्ट करोगे तो बताना हम भी आपके साथ करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा ये है कि हम लोग सब अपनी रूटीन डालेंगे कि आज हम इतने बजे उठे, हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया, तो ये बहुत ही अच्छा रूटीन है। आप करिए, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। मैं तो बहुत खुश थी इसको करके, बट अब मैंने छोड़ दिया है ये, ऑफिशियली मैं अनाउंस कर रही हूँ कि मैंने ये टास्क छोड़ दिया है, बट मैं इसे बहुत ही जल्दी दोबारा से स्टार्ट करूँगी। ओके, लेकिन मैं अपना रोज का एक कोई छोटा सा ब्लॉग तो मैं बना के डालूंगी, जो भी मैं करती हूँ 75 हार्ड डेज से अलग, जो भी मैं अपनी, मेरी जो नॉर्मल रूटीन है घर की या जो भी मैं करती हूँ मस्ती मजाक और शैतानियाँ, तो उसकी मैं वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी, छोटा सा अपना ब्लॉग दिन का। तो ठीक है, हर और मैं एक और वीडियो ये बनाऊंगी इस बारे में कि ये 75 हार्ड डे चैलेंज लड़कियों के लिए कितना टफ़ है और कितना टफ़ नहीं है, और अगर टफ़ है तो आप क्या कर सकती हो, और टफ़ को आप, मतलब अगर टफ़ आपको लग रहा है तो आप इसको किस तरीके से कंसीडर कर सकते हो या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि लड़कियों के लिए ये टास्क कितना मुश्किल है करना और कितना ईजी है, अगर मुश्किल है तो क्या क्या मुश्किल है, और ईजी है तो अगर करना चाहें तो सब कुछ ईजी है। तो ठीक है, हम दोबारा मिलूंगी मैं आपसे जल्दी ही आपके मैं अपनी रूटीन के नॉर्मल ब्लॉग में तो मैं आपको मिलूंगी ही मिलूंगी, बट 75 हार्ड डे में भी जल्दी ही मिलूंगी। ओके बाय, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये टास्क किस रीज़न से छोड़ा है, तो आप इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन मैं इसे जल्दी स्टार्ट करूँगी। ओके बाय, फिर मिलेंगे, सी यू सून। हेल्दी हेल्दी लाइफ जिए आप, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।